बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आपने यह है कि राकेश भाई को सबसे पहले मेरी तरफ से उन तक अगर ये मेरी वीडियो पहुंच रही है तो बहुत बहुत मुबारक हो। राकेश भाई कौन है जी? इंडिया के हैं। तमाम तर इंडिया से जो मेरे भाई ये वीडियो मेरी देख रखे हैं वो भी इस बंदे को भाई मुबारकबाद दें। अच्छा, उसके मुतलक आप भाइयों ने शायद अभी तक इसके मतलब पिक्चर और वीडियो वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर देख ली हूँ, लेकिन मैं कुछ तफसील से आप भाइयों के साथ थोड़ी डिटेल से यानी कि इस न्यूज के ऊपर बात कर दूंगा। यानी कि एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। वीडियो में देखा यह जा सकता था कि भाई जहाज के अंदर काफी ज्यादा लेडीज और जेंट्स मौजूद हैं और एक दुल्हा और एक दुल्हन दोनों शादी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज वायरल होने का सबब भी यही बना है कि जहाज के अंदर इतना ज्यादा मजमे के अंदर भाई शादी हो रही है, ये माजरा क्या है। तो इस वायरस के चलते हुए राकेश भाई की शादी भाई डिले हो रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ है जैसा कि सब कंट्रियां लगाया हुआ है, जैसा कि सऊदी अरेबिया में भी है। आपको पता है आप 5 से ज्यादा अफराद कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो 5 से 10 हजार का फाइन पर पर्सन किया जा सकता है। तो सऊदी अरेबिया में भी ऐसे लॉकडाउन इंडिया में भी ऐसे लॉकडाउन भाई लगा हुआ है। तो इन्होंने फिर इसका हल ये निकाला है। आपको भाई मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये मुदुलाई से बंगलोर की तरफ इन्होंने एक जहाज का यानी कि जहाज की एक टिकट नहीं भाई पूरा जहाज ही बुक किया है। यानी कि 200 पैसेंजर इसके अंदर बैठ सकते थे। इन्होंने इनके वाल्द ने यानी कि सब की 200 सीटें बुक की हैं। उसके बाद अपने चाहने वालों को यानी कि जो इनके अजीज रिश्तेदार थे या दोस्त अखबाब थे उनको वो टिकटें दी हैं। इस वायरस का टेस्ट भी उन सब बंदों का हुआ है। उसके बाद वो तमाम तर बंदे सज धज कर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, इस जहाज के अंदर बैठे हैं और जैसे ही जहाज उड़ा इन लोगों ने शादी की तकरीब शुरू कर दी है। 2 घंटे की ये फ्लाइट थी, 2 घंटों के अंदर अंदर इन लोगों ने दोनों यानी कि दुल्हे और दुल्हन की आपस में शादी की है, वहां पर हल्ला गुल्ला किया है। ना ही तो ये भाई किसी ममनू यानी कि किसी गैर कानूनी काम के जुमरे में आता है और ना ही इस लॉकडाउन के चलते हुए कोई भी किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत की गई है। सब बंदों के भाई ऑनलाइन टेस्ट किए गए हैं और इनकी टिकटें वगैरह ली गई हैं, क्योंकि जहाज के अंदर ये तमाम तर चीजें अलाउड हैं। यानी कि आप 200 पैसेंजर बैठा सकते हैं बशर्ते उनका टेस्ट हुआ हो। तो इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। इस चीज को देखते हुए अभी बहुत से बंदे इस चीज को रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन जो इनकी न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।